हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूसीएससी उन्नति कंपटीशन क्लासेस में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं आपके खुद के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग 37 स्पीडी रेलवे जीके की बुक वॉल्यूम 1। इसमें हम कवर कर रहे हैं वन लाइनर जीके, एक सीरीज हम लेके आए थे। इसके काफ़ी सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो सभी पार्ट नहीं देखे हैं, वो सभी पार्ट, सभी वीडियो, सभी लेक्चर देखने के लिए इस वीडियो के अंत में आप क्लिक करना स्पीडी रेलवे जीके की प्लेलिस्ट को। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पेज नंबर 117, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, और ये सभी जो हाईलाइट करे हुए पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं आपके रेलवे एग्ज़ाम में प्लस आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सभी के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। आपको इतना पता होना चाहिए आप कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हों। तो देखिए, गोवा राज्य का निर्माण जो हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद में गोवा राज्य का निर्माण हुआ था, तो ये था आपका 56वां संविधान संशोधन। उष्ण कटिबंधीय चिर हरित वन उन प्रदेशों में मिलते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की वर्षा होती है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में प्रस्तुत किया गया था। पार्टी का नाम क्या है? स्वराज पार्टी किस वर्ष प्रस्तुत करा गया था? 1924 में। दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव गंधार कला में परिलक्षित है। भारत में प्रथम डाक घर 1727 ईस्वी में खोला गया था। उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी के लेखक, ये उपन्यास का नाम है। दुर्गेश नंदिनी के राइटर कौन है? तो वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने क्या करा था? बम फेंका था। भगत सिंह मूवी आपने देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा। अगर नहीं देखी तो वो मूवी देखना, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पट्टी है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। देखिए, एग्जाम में कभी कभी आपसे क्वेश्चन एक ये भी पूछ लेता है कि 1 डिग्री जो अक्षांश होता है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो ये होता है आपका 111 किलोमीटर के इक्वल, ये आपको याद रखना है। और कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है? 181। और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको लिखवा सकता हूँ, लेकिन वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी बच्चों, तो ये टॉपिक आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लूसेंट जीके की जो बुक होगी ना उसमें से पढ़ लेना। आपको ढेर सारी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो आपको वहाँ से कवर हो जाएंगी। मैं बढ़ता हूँ फिलहाल अगले पॉइंट की ओर कि यहाँ पे चिर हरित वन में 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मानचित्रों में नदी को नीला रंग से दर्शाया जाता है। पानी कैसा होता है? नीला। नदी कैसी होती है? पानी से बनती है। पानी कैसा होता है? नीला। तो मानचित्र पर हमेशा जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई देती है वो रिवर को इंडिकेट करती हैं। सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, और हुडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीटर सदरलैंड। ऑक्जेनोमीटर से पौधे की रेखीय वृद्धि दर मापी जाती है। अरब सागर की रानी कोचीन नगर को कहा जाता है, और कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग होता है। बडागा जनजाति तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारतीय शासक सिकंदर लोधी ने सबसे पहले राजधानी को दिल्ली से आगरा ट्रांसफर करा था। स्लेट सेल का रूपांतरित रूप होता है। पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करती है। 1 मील पत्थर कितने यार्ड के इक्वल होता है? तो ये होता है आपका 1760 यार्ड के इक्वल। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टेट के बारे में चलते हैं। बिहार राजधानी पटना, जनसंख्या 10.38, ये सब आप लिंगानुपात इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं आपके, 916। उच्च न्यायालय पटना, जिले हैं 38, विधानसभा सदस्य संख्या 243, 75, 40, 60। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए अपनी बुक में साइड में। अगर बुक आपके पास में तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको अंडरलाइन करना है। बढ़ता हूँ पेज नंबर 118 की ओर। सीरिया की राजधानी क्या है? दस्मिक।
और प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 को हुआ था। कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2013 को, कोलंबिया यान की दुर्घटना हुई थी इसमें। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। प्रथम विद्युत रेलवे 1924 में चली थी, प्रथम विद्युत रेल जो चली थी वो चली थी 1924 में। और भारत में योजना अवकाश 1966 के सूखा के बाद हुआ था। सोम पेंस निकोबार के निवासी हैं। जिम्बाब्वे को पहले दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। पोस्ट ऑफिस के राइटर कौन है? पोस्ट ऑफिस ये बुक है, इसके राइटर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। दच्चीग्राम अभयारण्य भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक एडोल्फ हिटलर है। हिमालय की तराई में सदाबहार वन पाए जाते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपसे, इस तरफ आते हैं। देखिए, फाउंटेन पेन जो होता है केशिकत्व क्रियाशीलता पर कार्य करता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। पुलकेशिन सेकेंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक किया गया। नेफा जो है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश का एक पुराना नाम है। बैटरियों में सामान्यतः सादृ सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। एशिया स्वेज नहर द्वारा अफ्रीका से अलग होती है। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। और एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करी थी। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को। प्रथम एशियाई खेलों में 11 देशों ने भाग लिया था। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे झारखंड के बारे में। राजधानी रांची, साक्षरता रेट 67.63, मेल 78, महिला 56। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 82, लोकसभा 14, राज्यसभा 6। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 1614 किलोमीटर। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने 1577 ईस्वी में कराया था। जीवन रक्षक धातु रेडियम को तथा पारे को बोलते हैं तीव्र चांदी। विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनी फरक्का बैराज है। और नेताजी सुभाष, अगला जो पॉइंट है वो है पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 27 जनवरी 1897 में, कहाँ पर? कटक, उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य बिहार से 1936 में क्या हुआ था? अलग हुआ था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई थी? उनकी हत्या कराई थी औरंगजेब ने। अगला पॉइंट है आपका, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को शैवाल कहा जाता है। पालक, पालक की जो सब्जी होती है आप खाते हैं, पालक के जो पत्ते होते हैं उसमें मैक्सिमम क्या होता है? आयरन। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। ओजोन गैस से सड़ी मछली जैसी गंध आती है, तो ऐसी कौन सी गैस है जिसमें सड़ी हुई मछली की स्मेल आती है? तो मछली की स्मेल आती है आपकी ओजोन गैस में। भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम फ्रांसिस अल्मेडा है। और पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो यह है आपका रूस। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। कबीर रामानंद के शिष्य थे। और वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने करा था? टिम बर्नर्स ली ने। प्रोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत में की गई थी। कपास की खेती होती है काली मिट्टी में, और मैक्सिम काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। गायत्री मंत्र के रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र आपको याद है? एक बार जरा बोल के देखिए, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गायत्री मंत्र काफ़ी सारे बच्चे भूल जाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जिसका यूज़ नहीं होता है वो चीज़ हम भूल जाते हैं। कॉमन सी बात है, जिसको यूज़ में ना लो हम उस चीज़ को भूल ही जाएंगे ना। तो उसी प्रकार से पढ़ाई में भी ये चीज़ अप्लाई होती है। अगर आप रिविज़न नहीं करते हैं किसी चीज़ का तो आप वो चीज़ भूलते चले जाते हैं। तो फिर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको रिविज़न मैक्सिमम करना पड़ेगा। अष्टमार्ग का आचरण जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है। चरक कनिष्क के दरबार के विख्यात चिकित्सक थे।
कुमार संभवम महाकाव्य की रचना कालिदास ने की थी। भारत का तोता अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था और बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764 में। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, जनसंख्या घनत्व 828, स्त्री पुरुष अनुपात 908, साक्षरता रेट 69, मेल 79 है तो महिला इसमें 69 है, जिले 75, संभाग 17, विधान मंडल द्विसदनात्मक, विधानसभा सदस्यों की संख्या है इसमें 403, विधान परिषद 99, राज्यसभा 31, लोकसभा 80। स्थापना दिवस इसका था 1 नवंबर 1956। बढ़ते हैं आगे पेज नंबर 120 की ओर। देखिए तोडा जिसको बोलते हैं टोडास, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पहले गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। अगला पॉइंट है यूरोपीय देश नॉर्वे प्रथम नाटो देश है जिसने सेना में स्त्रियों की भर्ती की थी। नैयर सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा का मंदिर है, जैन धर्म के अनुयायी ने बनाया था। भारत के विभाजन के बालकन योजना लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की उपज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। हर्टेज आवर्ती मापन की इकाई है। गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से फेमस हुआ। जोजिला पास जम्मू कश्मीर में स्थित है। LTTE ने श्रीलंका में गृह युद्ध लड़ा। आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ द्वारा किया गया था और आवर्त सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइंस का, तो आप इसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा। देखिए आवर्त सारणी में अगर मैं आपसे बात करूं, जहां तक मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, इसमें एक्चुअली टॉपिक कुछ खास तो कहने नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि देखिए एक मेंडलीफ जो था वो आवर्त नियम पर आधारित है। ये जो टेबल होती है एक नियम पर आधारित होती है जिसमें एक्चुअली तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों को दर्शाया जाता है, उनके परमाणु भार क्या है, उसकी ऊर्जा क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करी जाती है। किसी भी एक तत्व को लेकर के डिटेल में उसको एक कैटेगरी उसकी डिसाइड करी जाती है, उसको मैनेज कराया जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। देखिए क्या था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक्चुअली 7 तो आवर्त थे, ठीक है, और इसमें 8 जो थे ग्रुप थे, समूह थे। इसमें शून्य समूह उपस्थित नहीं है, आप याद रखना, शून्य जो था वो मेंशन नहीं था उसमें कुछ भी। और बाकी ये चीज़ इतने ही बहुत है मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग। मैं बढ़ता हूँ आगे अपने इस वीडियो में, क्योंकि आवर्त सारणी का मतलब ये है कि तत्वों का वर्गीकरण करने बैठूंगा आपसे तो शायद वीडियो की लेंथ बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जैसा कि लंबे लंबे वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, ये सब चीज़ें आप देख लेना। और एक कोरिजंस होता है, एक हिंदी में एक वर्ड है निस्तापन, हिंदी मीडियम स्टूडेंट को पता होगा, तो वो टॉपिक आप जरूर पढ़ना एग्जाम में जाने से पहले। सबसे हल्का जो है आपका ये हो गया, हाँ देखिए सबसे हल्का पदार्थ क्या होता है? हीलियम होता है, और ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों कार्बन की एक अलग किस्में होती हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए वो है कि हिमालय का कंचनजंगा शिखर भारत के अंतर्गत आता है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत दादा भाई नरोजी ने करी थी। उत्तरायण की प्रथम लड़ाई जो हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ी गई थी। प्राचीन भारतीय ग्रंथ उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। बुद्ध को बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मधुमक्खी का प्रजनन और उनका प्रबंधन एपिकल्चर कहलाता है। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। विटामिन के रक्त का थक्का ये आपको पता होगा, कई बार वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अरबी विद्या जो था इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ये था मोरक्को का। मुगल शासक औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। मुगल शासक औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। DNA की फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म आप प्लीज इसको याद रखिएगा, DNA हो गया आपका, एड्स हो गया, दोनों ही फुल फॉर्म आपको याद करने हैं। अगला पॉइंट है कथक उत्तर भारत का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ज्वार भाटा प्रधानतः चंद्रमा के आकर्षण के फलस्वरूप होता है। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टि ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। अफगानिस्तान डुरंड लाइन द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था। उसके बाद मध्य प्रदेश राजधानी है इसके भोपाल। विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11, लोकसभा की 29 है।
इसका राजकीय वृक्ष आपका बरगद, हवाई अड्डे है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एंड जबलपुर। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर 121। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम बेकिंग सोडा है और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थित है। बुधान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 18 अप्रैल 1951 को। आनंद मठ पुस्तक के रचयिता बंकिम चंद चटर्जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार 2 बार संभाला था। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। एक्सरे की खोज रोंटजेन ने करी थी, इसको रॉ एंटीजन भी बोल सकते हैं हम लोग, तो एक्सरे की खोज इन्होंने करी थी। अगर बात करी रेस के बारे में तो गामा किरणें सबसे क्या होती है? डेंजरस रेस में आती है। अल्फा बीटा गामा, तो गामा क्या होगी? सबसे डेंजरस रेस होती है। आतंक विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन है? गुरु रामदास। और अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? ब्लैक, काला। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। और बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में की गई थी। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली की राजधानी क्या है? वो या आपकी सिलवासा। पृष्ठ तनाव द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसके बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। जल दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। डीएनए का प्रथम बार संश्लेषण वॉटसन और क्रिक ने किया था। देखिए बच्चों, शायद आपको आसपास से थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, तो पास में किसी की मैरिज है तो उसकी मैरिज तो मैं रुकवा नहीं सकता एक रिकॉर्डिंग के लिए, तो थोड़ा सा मैनेज करिए प्लीज़ आप लोग। यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। देवदास के लेखक शरद चंद्र चटर्जी हैं। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। और जो लोगो होते हैं उसमें कितने स्टार होते हैं? 17 स्टार। प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी तोसाली थी। चोर वंश का संस्थापक विजयालय है और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। भारत का प्राचीनतम जो पर्वत है वो है अरावली, और सीडैक का अर्थ है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, इसकी राजधानी क्या है? रायपुर। जनसंख्या घनत्व 189, स्त्री पुरुष अनुपात है 1991 प्रति 1000 व्यक्ति। विधानमंडल एक सदनात्मक, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90, राज्यसभा 5, लोकसभा 11। राज्य दिवस 1 नवंबर, राजकीय वृक्ष इसका सरई, प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी, प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड तक मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। एंड सॉरी, आपको जो भी इनकन्वीनियंट हुआ, जो भी असुविधा हो रही है, पीछे से आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा।